हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, लेटर राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। यू आर रोशन, आपका नाम क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि रोशन आपका नाम है। लिविंग एट कहाँ रहते हो? 15/4 ये आपके मकान का नंबर है। ओके, न्यू कॉलोनी ये आपकी कॉलोनी के नाम है। पालोदा ये शहर का नाम है। राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को जिसका नाम दे रखा है राजेश। इनवाइटिंग हिम, उसको इन्वाइट करना है टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग, आपकी बड़ी बहन की शादी में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। लेटर का फॉर्मेट भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले रहेगा हमारा मकान नंबर, जो कि दे रखा है 15/4, 15/4। कॉलोनी आपका साथ में देना है कॉलोनी को, तो न्यू कॉलोनी। देखो मकान नंबर और मकान होता है कॉलोनी में, तो यहाँ पे लिखना आपको कॉलोनी जिसका नाम क्या है, न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी, फिर आएगा आपका शहर का नाम। शहर का नाम क्या है आपका? पालोदा। ठीक है, यहाँ शहर का नाम आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आपकी डेट, तो ध्यान रखना कि जब भी आप लेटर लिख रहे हो जिस डेट को शादी है, तो उससे कुछ दिन पहले की आपको डेट लिखनी है। ठीक है, एंड टाइम पे तो हम लिख देनी है। तो डेट हमने सपोज यहाँ पे लिख दी 14th of December 2022। डेट हो गई। अब सैल्यूटेशन वर्ड, मतलब आप जिसको लिख रहे हो उसके लिए कुछ सम्माननीय शब्द, जैसे कि फ्रेंड है तो बेसिकली बात है डियर फ्रेंड आ जाएगा आप पे। डियर फ्रेंड, अब डियर फ्रेंड फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, तो फ्रेंड का नाम क्या है आपका? राजेश, तो डियर राजेश। ओके, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मिडिल पार्ट या फिर मेन बॉडी पार्ट लेटर का। इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे कि इनवाइटिंग करना है आपकी दीदी की शादी में, तो स्टार्टिंग रहेगी यहां से, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आप क्यों खुश हैं? तो देखो उसका रीजन बताएंगे। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, टू इन्फॉर्म यू, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू माई एल्डर सिस्टर्स वेडिंग एल्डर सिस्टर्स वेडिंग कब है? पहले तो नाम बता दो, एल्डर सिस्टर्स वेडिंग जो बहन का नाम है उनका नाम, कोई भी नाम रख दिया आपने, राधिका लिख दिया या फिर राधा लिख दिया, कोई भी नाम आप आसान शब्द लिखें। अगर आपको ध्यान रखो क्वेश्चन में तो वो लिखोगे, वरना आपके मन से लिख दें। तो मेरी बहन का विवाह है, मेरी बहन की शादी। अब बहन का नाम क्या बता दिया आपने? राधा। इज हेल्ड, वो होने वाला है। इज हेल्ड कब होने वाला है? ऑन, देखो 14 को आप लिख रहे हो, तो कम से कम 4-5 दिन बाद का बताओ, तो कम से कम लिख सकते हो 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 2022। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब आप उनको इनवाइट कर रहे हो, तो आई इनवाइट यू, आई इनवाइट यू टू, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं टू अटेंड, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए। ठीक है, दिस मैरिज, ये विवाह, इस मैरिज। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया, बेसिक हो गया। अब यहां से एक लाइन लिख देनी लास्ट में जो प्यारे शब्द होते हैं उनके लिए, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड की तरफ, किसकी तरफ? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, टू मीट यू सून, आपसे जल्दी मिलने की राह में। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। योर्स, देखो यहां पजेसिव भी आ जाता है, योर सिंसियरली, आपका शुभेच्छु
आपको विश्वास पात्र जो भी आप कह सकते हो मित्र के लिए, तो योर सिंसियरली आपका नाम लिख सकते हो। आपका नाम क्या है यहां पर क्वेश्चन दे रखा है? रोशन। ठीक है, ये आपका लेटर कंप्लीट होता है। बेसिक सा है, बिल्कुल आसान शब्दों में है, इसे आप समझ सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।